वेलकम बैक टू फैशन डोज लाइफस्टाइल एंड ब्लॉग बाय सोमा संता। सो मैं आज आप सबके लिए फिर से नई वीडियो लेके आ गई हूँ बहुत ही डिलीशियस रेसिपी के साथ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग मसाला तैयार कर लेंगे। मसालों के लिए मैं खड़े मसाले लेने वाली हूँ, जैसे 2 चम्मच गोटा धनिया, 1 चम्मच जीरा और दालचीनी, 2 इलायची और 1 लौंग। तो मैं इन सारे मसालों को अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करने वाली हूँ एक तवा में। तो जैसे ही इस तवा में मैंने इसे डाला, इसकी खुशबू पूरे घर को महका दी। इतनी सुंदर खुशबू आ रही थी दोस्तों, ट्रस्ट में। सो इसे कुछ तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से एक अच्छा सा अरोमा ना निकल के आ जाए। इसमें इसे ज़्यादा जलाना नहीं है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। तो आँच को भी मीडियम आँच तक ही रखें या फिर कम ही रहने दें, जैसे आपको फेवरेबल लगे। तो कुछ इस तरह से भूनने के बाद ये सारे मसालों को मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करना है। तो उधर मैंने चिकन को भी धो के रख लिया है अच्छी तरह से। मैंने चिकन में सारे मसालों को मैंने डाल दिया। तो ये स्टार्ट हो रहा है हम लोग का मैरिनेट वाला पार्ट। सो अब मैं दही को भी मैं अच्छी तरह से फेंट के ही डाल रही हूँ। आप लोग भी इसे फेंट, दही जब भी मैरिनेट करें तो दही को फेंट के ही डालें, नहीं तो दही फट जाते हैं और वो जो क्रीमीनेस टेक्सचर जो आता है वो चीज़ नहीं निकल के आता है। तो आप लोग भी दही को फेंट के ही डालें। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च कैच की। तो आप लोग कोई भी कंपनी के ले सकते हो। तो कंपनी जो भी, ये ध्यान रखे कि कश्मीरी लाल मिर्च में बहुत ही कम तीखा होता है, तो मैं इसे सिर्फ कलर के लिए यूज करने वाली हूँ। नेक्स्ट मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ले रही हूँ। अगर आप चाहे तो आप लोग इसे अपने से भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास अवेलेबल थी तो मैंने इसे डाल दिया। नेक्स्ट मैं हल्दी भी ऐड कर ली हूँ। हल्दी भी अगेन क्या ऑप्शनल है, अगर आप लोग चाहे तो यूज़ कर सकते हैं वरना नहीं। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ, मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा कलर के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ हल्दी। और अच्छी तरह से मैं सारे मसालों को, दही को एक साथ मैं मिक्स कर ले रही हूँ और इसे मैं कम से कम 2 से 3 घंटे तक मैरिनेशन में ये रख दूँगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट प्रोसेस पे। वो है प्याज को अच्छी तरह से मैं काट ली हूँ, अच्छी तरह से मैं फाइनली चॉप नहीं, बस ऐसे ही बड़े बड़े, और टमाटर और अदरक लहसुन भी मैंने कुछ ले लिया है और 4 हरी मिर्च भी ले लिया है। देन एक कढ़ाई में तेल गरम करके मैं उसमें दालचीनी, लौंग, इलायची और सूखा मिर्च मैं डाल दे रही हूँ। सारे खड़े मसाले डालने के बाद मैं जितने भी मैंने अदरक लहसुन और जो भी है, जो भी मैंने किसी को भी मैंने ना पीसा है ना मैंने काटा है, मैंने नॉर्मली बस काट दिया है, बस नॉर्मली छील के मैं बस कढ़ाई में डाल दी हूँ। नेक्स्ट टमाटर और अनियन को भी मैं बड़े बड़े पीसेस में ही काटी हूँ, क्योंकि ऑल टुगेदर मुझे इसे एक अच्छा सा थिक सा पेस्ट बनाना है। तो इसे पहले अच्छी तरह से मैं फ्राई करूँगी, उसके बाद मैं इसकी अच्छी एक पेस्ट बनाऊँगी। देन मैं नमक दे रही हूँ। चीनी, और कुछ काजू बादाम। और ये जो कोहिनूर के बटर चिकन मसाला की जो मसाला है, इसे आप, ये टोटली दोस्तों ऑप्शनल है, अगर आप लोग चाहे तो इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे मैं यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरे जो भी प्रोसेस है वो ज़्यादा ही कुछ इनहेंस निकल के आए, इसीलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं जीरा पाउडर ले रही हूँ एंड धनिया पाउडर हल्का सा लेके मैं इसे अच्छी तरह से फ्राई करने दूंगी। नेक्स्ट मैं हल्का सा पानी भी डाल ले रही हूँ ताकि किसी भी तरह से मसाले और वेजिटेबल्स जले ना।
डाल के हल्दी दे के हल्का सा, और कश्मीरी लाल मिर्च, और फिर से थोड़ा सा उसमें भी का मसाले में थोड़ा डाल दे रही हूँ हर तरह की। फिर नेक्स्ट मैं ढक दी थी 1 मिनट के लिए। अब कुछ इस तरह से, ज़्यादा नहीं पकाना है, नॉर्मल आधा ही पकेगा। डाल के इसमें मटर बटर यूज़ करिए, तो ये मैं चिकन बटर मसाला यूज़ कर बना रही हूँ आज, तो बटर तो बनता है ना दोस्तों। तो नेक्स्ट मैं एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल के मैं अच्छी तरह से इसकी अच्छी सी थिक पेस्ट बनाऊंगी, जिसमें ग्रेवी बहुत क्रीमी बनेगी। नेक्स्ट मैं कढ़ाई में ऑयल और तेज पत्ता डाल के, और चिकन जितने भी मैंने मैरिनेट करने के लिए रखा था वो सारे चिकन को मैं डाल दी हूँ। अब इसे भी अच्छी तरह से दोस्तों हम लोग को इसे पकाना है। इसमें मैं 1 चम्मच नमक भी ऐड कर रही हूँ। नमक चीनी आप लोग अपने हिसाब से डालें। तो दोस्तों आप लोग को लगता होगा कि मैं बंगाली हूँ इसलिए मैं चीनी डालती हूँ, बट नहीं, टोटली नहीं। बिकॉज आप जब भी चीनी डालोगे तो ये चीनी जो होता है ना, वो कोई भी खाना में को बैलेंस करने में हेल्प लगता है, क्योंकि इतने सारे मसाले पड़ रहे हैं, नमक पड़ रहे हैं, तो वो सब्जी चीज़ को, जो टमाटर का खट्टापन है, वो सबको बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो हम लोगों को चिकन को कुछ तब तक पकाना है, तब तक अच्छी एक ऑयल ना सेपरेट हो जाए, अच्छी तरह से पकना जाए। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली ढकने के बाद थोड़ा सा पक गया चिकन, और कितना ब्यूटीफुली उस पर एक अच्छा सा, मतलब ये ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो अब मैं इस पोजीशन पे, अब मैं सारे मसालों को डाल दे रही हूँ, जो भी मैंने थिक सा पेस्ट बनाया था उसे मैं डाल दे रही हूँ। डालने के बाद मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। बटर चिकन मसाला बनाने में बहुत इजी है दोस्तों, बहुत इजी है। आप लोग कोई भी इजीली इसे बना सकते हैं घर पे। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसा लगे। तो मैं कुछ भी यहाँ वेस्ट नहीं कर रही हूँ, जो भी मसाले लगे हुए थे मिक्सर ग्राइंडर में, कटोरी में, जो भी, तो मैं सब में मैं पानी लेके अच्छी तरह से चाट पूछ के एकदम सारे पानी को डाल के, कसूरी मेथी डाल के, मेरी वाली जो ट्रिक है, मेरी जो स्टाइल है, वो डाल के कश्मीरी लाल मिर्च डाल के मैं इसे हल्का सा ढक के मैं इसे थोड़ा सा बॉईल कर ली थी मीडियम आंच में 2-3 मिनट्स। तो दोस्तों चिकन बटर मसाला कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं बटर गार्लिक नान की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे मैदा। मैंने यहाँ पर कुछ 1.5 कप के जैसे मैदा यूज किए हैं। आप लोग अपने जो भी आपको, यहाँ पर मैं दही और बेकिंग सोडा यूज करने वाली हूँ, जिससे मेरा जो नान है वो काफी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने। तो दही में बेकिंग सोडा लेके मैं अच्छी तरह से इसे फेंट के मैदा में डालूंगी। उसके बाद मैं इसमें 2 चम्मच ऑयल यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ 1 टेबल स्पून चीनी यूज़ की हूँ और हल्का सा नमक। अब इन सारे चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम लोग इसमें हल्का हल्का पानी डालेंगे, एकदम ही हल्का हल्का, एक ही बार में ना डालें, नहीं तो गीला हो जाने का डर रहता है। तो दोस्तों यहाँ हमें एक बहुत ही अच्छी सॉफ्ट डो बनानी है, और इसे मैं हल्का हल्का बीट कर रही हूँ। अब बीट करने से हमारे जो नान हैं वो और भी अच्छे से फ्लफी होंगे, कुछ इस तरह से अंदर की तरफ डालते हुए इस तरह से हमें बीट करना है मैदा को, ताकि इसके अंदर में एयर भर जाए। सो मैं यहाँ ले रही हूँ सेम सनफ्लावर ऑयल, और उसके ऊपर से मैदा के ऊपर हल्का हल्के हाथों से मैं लगा दूंगी, और इसे मैं लगभग 2 आवर्स और 2-3 आवर्स तक मैं इसे रेस्ट करने के लिए दे दूंगी, ताकि मेरे जो मैदा है वो फूल जाए। अब 2 घंटे के बाद मैं एक एक करके अब नान बनाना शुरू करूँगी। तो मैं हल्का सा मैदा लेके नान बनाना शुरू कर रही हूँ। तो मैं नान की शेप देने की कोशिश करूंगी, जो कि ओवल होती है। तो जबकि ये हम लोग
बटर गार्लिक नाम बना रहे हैं तो गार्लिक के बिना तो इनकम्प्लीट है, तो हम लोग इसमें गार्लिक भी ऐड करेंगे। चॉप किया हुआ छोटा छोटा गार्लिक मैंने कट करके रख लिए थे, तो वही गार्लिक मैं यूज़ कर रही हूँ। और थोड़ा अच्छा कलर और थोड़ा अच्छा और फ्लेवर लाने के लिए मैं उसमें धनिया पत्ता भी चॉप करके डाल दे रही हूँ। मैं इसे फिर से बेल दूंगी और एक बार, ताकि जो भी धनिया पत्ता और गार्लिक है वो मैदा में चिपक जाए। तो मैं इसको अब पलटने वाली हूँ और इसमें वाटर लगाने वाली हूँ, ताकि जो कि ये मैं तंदूर नहीं यूज़ करने वाली हूँ, तो आज मैं तवा यूज़ करने वाली हूँ इसे सेकने के लिए। तो मुझे तवा को तवा में चिपकाने के लिए मैदा के पीछे मैं इस तरह से वाटर लगा दे रही हूँ, जिसके कारण वो तवा में चिपक जाएंगे और ये निकलेंगे नहीं। है ना अच्छी ट्रिक? तो बहुत ही प्यार से, बहुत ही ज़्यादा मेहनत से मैं ये रेसिपीज आप लोगों के लिए लाती हूँ। अगर आप लोगों को ज़रा से भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़। ऐसे तवा को पलट दूंगी, गैस को हाई फ्लेम में रख के तवा को पलट के मैं इस तरह से सेकूंगी। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली पूरा सेक रहा है और इसमें तंदूर की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो आप लोग इस तरह से घर में बना के ट्राई कर सकते हैं। इस तरह से ऊपर नीचे करके अच्छी तरह से सारे तरफ ही सेक लो, ताकि कहीं कच्चा ना रह जाए। इसे ज्यादा जलाना नहीं है, बस सेकना है। देखते कैसा लगता है। इसमें बटर मैं लगा दूंगी और ये रहा हम लोग का चिकन बटर मसाला और गार्लिक नान। है ना यम्मी? तो देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और आप लोग भी ट्राई कीजिए। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी।